गजब की ताकत ज्ञान के भीतर है। जब तक आदमी के पास ज्ञान ना हो, जब तक आदमी के पास ज्ञान की शक्ति ना हो, तब तक न धर्म करने का मन होता है, न धर्म के जीवन में आगे बढ़ने का मन होता है, न अध्यात्म को जीवन में प्रवेश करवाने का मन होता है, न मंदिर जाने का मन होता है, न प्रवचन में जाने का मन होता है, न तपत्याग करने का मन होता है, न क्रिया आराधना करने का मन होता है, न गुरु को समर्पित होने का मन होता है। कोई मन नहीं होता जब तक आपके भीतर ज्ञान नहीं हो। त्याग भी ज्ञान से होता है, तप भी ज्ञान से होता है। सामने 100 आइटम खाने की रखी हुई हो, लेकिन फिर भी हम हमारी जीवा को काबू में रख सके, ये ताकत ज्ञान की है। हमारे पास जेब में 100 रुपए मात्र हो, ज्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी हमको उसमें से 20, 25, 30, 40, 50 रुपया खर्च करने का मन हो, ये ताकत ज्ञान की है। मन ये नहीं करने देगा, मन तो मना करेगा, लेकिन ज्ञान कहेगा कि नहीं, आज तूने बोया है तो कल अनेक गुना होके तुझे वापस मिलेगा। आज तू कुछ त्याग कर रहा है तो उसकी फलश्रुति तुझे मिलेगी, उसकी फलश्रुति निश्चित तौर पर तुझे प्राप्त होगी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में हम जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर पाते हैं, उसके पीछे कोई एक चीज है तो वो मात्र मात्र ज्ञान है। ज्ञान ही हमें प्रेरित करता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि भगवान के पास यदि मांगना ही हो, ऐसी एक चीज मांग लेना जिससे हमारा जीवन बदल जाए, और वह चीज का नाम है सद्बुद्धि। भगवान के पास यदि मांगने की भावना बनती हो, मांगने की इच्छा होती हो, मैं कहता हूं भगवान के पास जाकर के सद्बुद्धि मांगो कि परमात्मा मेरे जीवन में अच्छा ज्ञान हो और कुछ नहीं। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पे आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, जीवन के हर गलत काम में आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, जीवन के हर सुंदर कार्य के लिए आपको कोई प्रेरणा करने वाला हर बार नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हमारे भीतर सम्यक ज्ञान की ताकतें, यदि परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, यदि हमारे जीवन में सद्बुद्धि रूपी धन है, तो जीवन में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिना किसी की प्रेरणा के, बिना किसी के रोके, हम गलत मार्ग पर जाते हुए रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा मन कहेगा कि नहीं, ये रास्ता गलत है, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भगवान के पास यदि मांगना है तो एक ही चीज मांगनी। क्या मांगना? क्या मांगना? सद्बुद्धि मांगनी। भगवान किसे कहना, भगवान और कुछ नहीं, संपत्ति नहीं चाहिए, संतति नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, मुझे एकमात्र सद्बुद्धि दे दे। यदि सद्बुद्धि होगी तो मुझे धर्म करने का भी मन होगा, सद्बुद्धि होगी तो तपत्याग का भी मन होगा, सद्बुद्धि होगी तो दान का भी मन होगा, सद्बुद्धि होगी तो गुरु को समर्पित होने का भी मन होगा, सद्बुद्धि होगी तो तेरे चरण में आने का भी मन होगा। हर चीज के पीछे यदि कोई चीज है तो वो सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इसलिए आज का पद बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान करता क्या है? जीवन के मर्म को हमें समझाता है, जीवन के रहस्य को हमारे सामने उजागर करता है। जीवन की जो बातें सामान्य इंसान नहीं समझ पाता, वो ज्ञानी इंसान समझ पाता है। जीवन की जो बातें समझने के लिए हमारी आंखें काम नहीं आती, हमारे कान काम नहीं आते, हमारी बुद्धि काम नहीं आती, वो बातें हमें ज्ञान समझा देता है। ऋषि ने कहा कि जीवन का मर्म यदि समझना है तो ज्ञान बड़ा ही नितांत आवश्यक है, उसके बिना हम जीवन के मर्म को, रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान ये ताकत हमारे भीतर पैदा करता है, क्या करने जैसा है, क्या छोड़ने जैसा है, क्या पकड़ने जैसा है, ये ज्ञान सिखाता है। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जिसके भीतर ज्ञान नहीं है वो नाहक दौड़ते रहता है, नाहक भागते रहता है, बिना वजह, बेवजह वो दौड़ते रहा है, वो भागते रहा है, और अंततः जीवन के अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम समय में, मृत्यु के सैया के ऊपर लेटे लेटे उसे ये अनुभूति होती है कि जीवन भर भागा लेकिन अंततः प्राप्त कुछ नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि ज्ञानी पुरुष हमें यह कहते हैं, ज्ञानी भगवंत हमें यह कहते हैं कि जीवन में समझ लेना, तीन तरह की संपत्ति आपके जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आप ज्ञानी हो तो किसके पीछे दौड़ते हो समझने की कोशिश करना, यदि आप अज्ञानी हो तो आप कहां दौड़ोगे, आप ज्ञानी हो तो आप कहां दौड़ोगे, ये समझने की बात है। इसलिए कहा कि समझ लेना,
आज ज्ञान पद की जब आराधना है, आज ज्ञान पद की जब बात है, तब शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि तीन तरह की संपत्ति आप अपने जीवन में अर्जित कर सकते हो, उपार्जित कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, इकट्ठी कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो। का सबसे पहले नंबर की संपत्ति जो आज काम लगे, जिसका फायदा आपको आज होना है, कल से उसका कोई लेना देना नहीं। भोजन आपने किया, वो आपको अच्छा भोजन कहीं से प्राप्त हुआ, उसका कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं। आज आपके जिह्वा को आनंद आया, आज शरीर को आनंद आया कि चलो अच्छा खाना मिल गया, कल परसों वो हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा। किसने आपकी प्रशंसा करी, इसका कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं है। आज हम आनंदित हो गए कि लोगों ने मेरे लिए दो शब्द अच्छे कह दिए, बात खत्म हो गई, उसका हमारे जीवन में फायदा कौन नहीं। ऐसी संपत्ति जो आज काम आ जाए, एक घंटा मोबाइल पे आपने टाइम पास कर लिया, एक घंटा आपको लगा के नहीं मजा आ गया, कोई मूवी देख ली, कोई वीडियो देख लिया, किसी के साथ बातचीत कर ली, एक घंटा तो लगा कि आनंद आ गया, लेकिन कल उसका कोई फायदा नहीं। दो घंटे आपने टीवी देखने में बिता दिए, न्यूज देख ली, देश दुनिया में ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, एमपी के पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, दिल्ली में ये चल रहा है, शिवपुरी में ये चल रहा है, ये आपने देख लिया, लेकिन उसका फायदा आपको कुछ नहीं है। लेकिन जब तक देखते थे तब तक आपको आनंद आया। कहते ऐसी संपत्ति जो आज काम लग जाए, जो आज के दिन के लिए उपयुक्त है, जो कल के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि आज का अखबार कल रद्दी बन जाता है, समझना। आज जो सुबह उठकर अखबार उठा करके आप पढ़ते हो, आप उसकी वेट करते हो कि कब, कई लोगों को आदत होती है कि चाय पीते पीते हाथ में अखबार चाहिए, पता चलना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। अरे शास्त्रकार भगवान कहते हैं भीतर क्या चल रहा है वो थोड़ा पता कर ले। आज का अखबार, कल हम उसको अखबार नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रद्दी कहते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि समझ लेना, ऐसी संपत्ति जो आज आपको काम लगे वो पहले नंबर की संपत्ति है, जिसको आप अर्जित कर सकते हो, आपके हाथ में, आप चाहो तो ऐसी संपत्ति के पीछे पूरा दिन लगा सकते हो। क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसा खाना कैसा नहीं खाना, उसके पीछे आप घंटों लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला व्यापार है। आज आपको आनंद आया कि आज मुझको भोजन अच्छा मिल गया, लेकिन तेरा समय वेस्ट हुआ, तेरा जीवन नष्ट हुआ, तेरे जीवन में तू कुछ उतना समय बिगाड़ पाया, कुछ नहीं कर पाया, उसका क्या, उसका कुछ नहीं। कहा दूसरे नंबर की संपत्ति जो मृत्यु पर्यंत काम लगती है, पहली संपत्ति जो आज काम लगती है, दूसरे नंबर की संपत्ति जो मृत्यु तक काम लगती है। आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, बैंक बैलेंस बना लिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का, आपको एक भीतर से सांत्वना है कि मरेंगे तब तक परेशान नहीं होंगे, खाने पीने में तो परेशानी नहीं आएगी, रहने के लिए एक अच्छा सा घर बना लिया, आपको मन में एक शांति का एहसास है, शांति का भाव है कि जब तक मरेंगे तब तक घर अच्छा है, रहने के लिए आराम से जी लेंगे। आपने अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया, आपने अच्छा बंगला बना लिया, आपने अच्छे संबंध बना लिए, 4-5-10 लोगों से जीवन में ऐसे संबंध डेवलप कर लिए कि आपको पता चल गया, आपको मन में शांति हो गई कि जीवन में जब भी तकलीफ आएगी ये 5-7-10 यार दोस्त मेरे हैं, मेरे आसपास में खड़े रहेंगे। ये जो संपत्ति आपने उपार्जन करी वो मृत्यु तक के। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि तीसरी और एक संपत्ति जो आज काम लग सके, वैसी भी संपत्ति हो सकती है और उसको हम उपार्जन कर सकते हैं, जो मृत्यु तक काम लग सके वैसी भी संपत्ति हो सकती है, हम उसको उपार्जन कर सकते हैं, और जो मृत्यु के बाद में भी काम लगे वैसी भी संपत्ति हो सकती है और हम उसको उपार्जन कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि हमेशा वो संपत्ति में होती है जो मृत्यु के बाद में। अपने जीवन में पुण्य कमा लिया वो मृत्यु के बाद की संपत्ति है, आपने जीवन में सद्गुणों को कमा लिया वो मृत्यु के बाद की संपत्ति है, आपने जीवन में सद्बुद्धि कमा ली वो मृत्यु के बाद की संपत्ति है, आपने जीवन में ज्ञान अर्जन कर लिया वो मृत्यु के बाद की संपत्ति है। क्योंकि हमारे यहां तक लिखा गया कि समझ लेना, धारणा पूर्वक यदि ज्ञान का अभ्यास किया जाए तो अगले जन्म में भी वो ज्ञान हमारे साथ में चलता है। ये जितने भी महापुरुष हुए, किसी ने 1444 श्लोक ग्रंथ बना दिए, किसी ने 3.5 करोड़ श्लोक बना दिए, वो कैसे, पिछले कई भवों के ज्ञान के संस्कार जब एकत्रित होते हैं तब ये जीवन में इतना कार्य कर पाते हैं।
कोई 8 साल के बच्चे को संयम लेने का भाव होता है कैसे? कपड़े ढंग से पहनना ना आता हो, ढंग से संसार का व्यवहार पता ना हो, संसार में कैसे क्या होता हो उसकी जरा भी जानकारी उसकी ना हो, लेकिन फिर भी एक खिंचाव, एक आकर्षण संयम के प्रति होता है और संयम के मार्ग पर चल देता है। कैसे? पिछले जन्म का ज्ञान लेकर के आया है, तब जाके उसके भीतर में भाव जगता है। यह 80 हो जाए फिर भी किसी को भाव नहीं जगता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद चल सके ऐसी संपत्ति आपके पास कितनी? जब मृत्यु आपके जीवन में आवे, जब आंखों के सामने मौत दिखाई पड़े, तब आपको आनंदित रख सके ऐसी चीजें आपके जीवन में कितनी है? कितना अर्जन किया आपको शायद बताओ। अभी अभी 1 महीने पहले मुंबई अहमदाबाद के रास्ते पर 4 सितंबर को एक भयानक अकस्मात हुआ और वह अकस्मात में 2 लोग मर गए। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और वो 2 लोग में एक व्यक्ति थे साइरस मिस्त्री, जो टाटा संस के भूतपूर्व चेयरमैन थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदमी जाते जाते हमें क्या सीख दे करके जाता है, हमें क्या बता करके जाता है। 54 साल की उम्र, 54 ओनली, संपत्ति कितनी आप सोच सकते हो? 70,957 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक थे, वो भी 2018 में, 2022 में नहीं। 70,957 करोड़ उनके पास थे, देश दुनिया में उनका व्यापार था, अनेकों देशों में उनका व्यापार चल रहा था, लेकिन ऑन द स्पॉट डेथ। 1 मिनट भी न मिली, न कोई धर्म सुनाने वाला मिला, न कोई कुछ सिखाने वाला मिला, न जीवन में चांस मिला कि कुछ अच्छा कर पाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लो मृत्यु के समय काम लगे ऐसी संपत्ति आपके पास कितनी है, इसकी गणना करना। मृत्यु तक काम लगे ऐसी संपत्ति आपने बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन मृत्यु के बाद काम लगे ऐसी संपत्ति, पूरा जीवन संपत्ति के पीछे लगा दिया, 54 साल की उम्र में यहां से चल गए, क्या जीवन का भरोसा? आप सोचो तो सही, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने बनते हैं फिर भी हम उससे कुछ सीख नहीं पाते। सुनने वाले का हृदय हिल गया कि 54 साल की उम्र में भारत का एक प्रधान उद्योगपति चला गया, 70,000 करोड़ यहीं के यहीं पड़े रह गए, 70 रुपए भी काम नहीं आए। मैं कह रहा हूं सीखो ऐसे ऐसी घटनाओं से, ऐसे ऐसे घटनाक्रम से जीवन में कुछ सीखो कि कब मृत्यु का बुलावा आ जाएगा, कब चिट्ठी फट जाएगी पता नहीं हमें जीवन में। और डरना जरूरी नहीं, लेकिन जागना तो जरूरी है, जागृत तो रहना जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझ लेना, ये साइरस मिस्त्री के मृत्यु में से कुछ सीखो। जीवन में से तो आपने बहुत सीखा होगा, वो कैसे सक्सेस बना, इतने पैसे कैसे कमाए, इतनी उसके पास आमदनी कैसे हुई, देश दुनिया में कहां का व्यापार करता था, कैसे व्यापार करता था, लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन का सही बोध मृत्यु से मिलता है, जीवन से नहीं मिलता। और इसीलिए ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ना उस समय कोई सिक्योरिटी वाले काम आते हैं, ना उस समय हमारे पुलिस वाले काम आते हैं, ना उस समय आसपास वाले बचाने के लिए आते हैं। जब नंबर लगता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। आज के दिन बैठकर इतना सोचना कि मृत्यु के समय काम लगे ऐसी संपत्ति मेरे पास कितनी है, मृत्यु के बाद में भी जो मुझे जीवंत रखे ऐसी संपत्ति मेरे पास कितनी है। अरे मृत्यु तक की संपत्ति इकट्ठे करने वाले हजारों लाखों लोग दुनिया में है, और मैं मना नहीं करता आप धन पैसे मत कमाओ, मैं मना नहीं करता आप बंगले मत बनाओ, मैं मना नहीं करता कि आप संबंध मत बनाओ, मैं मना नहीं करता कि आप गाड़ियों के पीछे मत भागो, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दिन के 10 घंटे वहां लगाते हो तो 2 घंटे तो कम से कम मृत्यु के बाद के लिए लगा लो। आप 10 घंटे वहां लगा दो संपत्ति के पीछे, भागो आपकी जितनी मर्जी हो भागो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जीवन के दिन के 2 घंटे तो ऐसे निकालो जहां मृत्यु के बाद काम आ सके, ऐसा पुण्य उपार्जन कर सके, ऐसे सद्गुण उपार्जन कर सके, ऐसी सद्बुद्धि उपार्जन कर सकते, ऐसा ज्ञान उपार्जन कर सके, ऐसे 2 घंटे निकालो तभी जीवन सार्थक होगा। वरना ये ऐसे सब किस्सों को आंखों के सामने रखो, 54 साल की उम्र में भी आपके पास 70,000 करोड़ हो फिर भी मौत आती है तो जाना ही पड़ता है, उसका कोई रास्ता संसार में किसी के पास नहीं। ना आपके पैसे काम आएंगे, ना आपका पद काम आएगा, ना आपकी शक्ति काम आएगी, ना आपके संबंध काम आएंगे। जब जाने का नंबर लगेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सीखो, ये साइरस मिस्त्री के केस से सीखो, उनकी मृत्यु से सीखो कि जीवन में ऐसी संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करें जो मौत के बाद में भी हमें काम आए।
प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।